बड़े बड़ी सत्ताओं को हिलाने में हमको और आपको कामयाबी मिल चुकी है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों बड़े बड़ी पूंजीपति शिक्षा का व्यापार जो चल रहा था उनको कहीं ना कहीं उनकी जड़ों को हिलाने में दोस्तों की दोस्तों जीत हुई है। मेल देख पाते हो थंबनेल के पीछे आप देख दो नकल गिरोह को लेकर कोचिंगों से जुड़ा हुआ दोस्तों आता है। पेपर लीक करने में कोचिंग वालों को आता है दोस्तों। तो मैं निर्मल सर को मैसेज करता हूँ कि सर आपको भी बच्चों के हित में कुछ बोलना है। मैंने बहुत प्यार से बोला और व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर आप प्यार से मैं भी सारे दिखा दूंगा कि सर आपको भी बच्चों के हित में बोलना है। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, मैं बड़े आदमी रिप्लाई नहीं देते, कई बार बड़े बड़े आदमी रिप्लाई नहीं देते, हम छोटे मोटे आदमी दोस्तों, छोटे मोटे आदमी को कौन रिप्लाई करता है। मतलब कोई बात नहीं, चलता रहता है, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा गुस्सा था, आक्रोश था, सारी बातें बता दी गई, ऐसे ऐसे घटना है, इसका समाधान होना चाहिए, सब बता दिया मैंने, चलता गया दोस्तों। फिर मैं सर दोस्तों इसके बाद, इससे पहले दोस्तों आप देखो मैं आपको अच्छा व्हाट्सएप कॉल, मैंने व्हाट्सएप वाले मैसेज दोस्तों यहाँ पर लिए नहीं, मैंने व्हाट्सएप वाले मैसेज थे वो व्हाट्सएप वाले सारे मैसेज जो थे वो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों, वो भी शेयर कर दूंगा। मैंने कहा सर बच्चों के इतने बोलो, सर ने मेरे कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया, ये जैसे वीडियो बना, इस वीडियो के बाद सर के मेरे पास खूब सारे कॉल आ रहे थे। उस समय जब मैं आंदोलन में था और घर की तरफ आता और तो मैं कॉल नहीं उठा पा रहा था सर का, निर्मल सर का कॉल नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मेरे को तीन बजे तक मेरी क्लास थी, तो मैं क्लास में रहना मेरा जरूरी था। मैंने कहा सर मैं क्लास के बाद बात करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। और सर मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, मैं कहा सर आप व्हाट्सएप कॉल मत करो, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, क्योंकि आपकी कॉल मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जो भी कोई बात होगी ना उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, जिससे बच्चों को पता पड़े कि आप क्या बोलते हो मैं क्या बोलता हूं। भाई सीधी बात है, व्हाट्सएप कॉल कभी रिकॉर्ड होता नहीं दोस्तों। तो मैंने कहा सर आप डायरेक्ट कॉल करो दोस्तों, मैं को ऐसा डायरेक्ट कॉल, तो उन्होंने को इतना कहते ब्लॉक कर दिया कि आप रिकॉर्ड करो बातें। इतनी सी बात होना और उनका एक हीरो फूलपत्ती वाला अच्छा है वो उछल के मेरे को, मतलब मेरे लिए बोलता है कि मुकेश पंचोली सर निर्मल सर को जानते नहीं है, निर्मल सर कौन है, निर्मल सर का नंबर मुकेश सर के पास है नहीं, ये उठपटांग अफवाह फैलाता रहता है। मेरे को आता थोड़ा गुस्सा, मैंने गुस्से में उसको कॉल करता हूँ, कॉल करने के बाद उसको क्या बोलता हूँ वो आपने वीडियो में वायरल देखा होगा। वो मेरी घटना थी दोस्तों कि भाई मैंने कहा भाई मैं मेरे बीच में निर्मल सर के बीच में पंचायती करने को आया, भाई तेरा तो कोई रोल ही नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं बच्चों के लिए काम करूंगा भाई। दोस्तों वो सारी घटना, फिर मेरे को सर ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद दोस्तों का तो व्हाट्सएप मैसेज तो कर नहीं सकते। मैंने सर इंडेक्स जो इनबॉक्स निर्मल सर ने क्यों साथ नहीं दिया दोस्तों, जानिए अब थोड़ी बहुत घटना बैक में। अब आओ दोस्तों बैक में, और राजस्थान के अंदर पेपर आउट होता है जब तुम्हारे पीछे पैर पड़ जाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि राजस्थान में 2-3 लाख स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं। क्यों? इंटरव्यू में आने के बाद तुम्हारा बच्चा मैं ऐसा ही मैं नंबर लाता है, और नंबर लाने के बाद उनको ये नहीं पता कि राजस्थान मतलब भारत का राष्ट्रपति कौन है। गजब इंसान भाई, मतलब आप लोग जब आप लोग SSC को लेकर रेलवे को लेकर प्रोटेक्ट करते हो और राजस्थान के लिए कोई प्रोटेक्ट नहीं करते दोस्तों, ये तो थोड़ा दोस्तों मतलब ये तो थोड़ा मेरे को मतलब सही नहीं लगा दोस्तों। ये क्यों दोस्तों बच्चों के साथ क्यों आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आ जाते बच्चों के इतने बोल दे तो आज बच्चों को क्यों सुसाइड करना पड़ता? थोड़ा बहुत सोचे सर, थोड़ा बहुत सोचिए, बस यही मेरी दुआ। मैं इमोशन नहीं हो पाऊंगा दोस्तों, तुम्हारी जैसे आंखों में आंसू नहीं आ पाएगा। आंसू उस इंसान के आते हैं दोस्तों जो कमजोर होता है। मुकेश पंचोली कमजोर नहीं है, मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आएगा। धारणा मैं तुम्हारे सामने ये नहीं बेटा मैं रोने लग गया, रोने की एक्टिंग करूं, नहीं नहीं मेरे को नहीं आए। आंसू दोस्तों उस इंसान के आते जो कमजोर होता है। मुकेश पंचोली ना आज कमजोर है, ना कल कमजोर है, ना आगे कमजोर रहेगा। पहले भी बना के आया हूं, आज भी बना सकता हूं और आगे भी बना सकता हूं, इतना परचम लहरा सकता हूं धारणा। और मैं कहता हूं दोस्तों उन सबको कहना चाहता हूं, मेरे बीच में आने की कोशिश ना करें, मेरे बच्चों के बीच में आने की कोशिश ना करें, जो मैं कर रहा हूं उसको करने दे। मेरा किसी से व्यक्तिगत तौर से कोई लेना देना नहीं है, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरे को पढ़ाने दे, मेरे को काम करने, मैं नहीं करना चाहता ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, इतना सा वीडियो था, और मैं निर्मल सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और निर्मल सर को यह भी कहूंगा, सर आप एक वीडियो के माध्यम से बच्चों के लिए लड़ो। आप बच्चों के लिए लड़ोगे दोस्तों तो सर मैं आपके कदम चूमूंगा, आपके हमेशा दुख करूंगा, पूजा करूंगा, अगर आप बच्चों के लिए लड़ोगे तो। ये मेरा वादा है सर आपसे। और निर्मल सर आप जानते हो मेरे को अच्छे से, आप मेरा स्वभाव जानते हो, मैं आप व्यक्ति के तौर पर खूब अपन साथ रहे, खाना खाए, तो आप जानते मेरे को। सर आप बच्चों के लिए जिंदा रहोगे ना तो मुकेश पंचोली उत्कर्ष के लिए जिंदा रहेगा, और अगर बच्चों के बीच में कोई आएगा ना तो माता रानी की कसम दोस्तों मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं।